बुजुर्ग आदमी, लगभग लगभग 90 वर्ष उम्र है और ये है लक्की मिस्त्री नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 80 साल हो चुके काम के लगे। एक ट्रैली सत्तर की, एक ट्रैली और 42 मन की। खंडे ने बहुत दिन हो गए, ईब भी खाऊं हूं मैं घी तो। कोई शहद नहीं, कोई अस्पताल में नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई ताप चढ़ा, ना कोई खैर खांसी बेशंग होगी और नहीं कुछ नहीं। तो एक ट्रेली ट्रैक्टर की देखी आपने, वो शक्कर और 42 मन घी। इतनी उम्र का और आदमी काम नहीं कर सकता जो यू कर रहा है। तो को जगह इसका काम कराई भी लगा। अच्छा दिखे सही जमा ठीक, कुछ नहीं मेरा होंदा तापन सरुआ न कुछ नहीं होया जिंदगी में। एक ट्रैली शक्कर की पर 45 मन घी खा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी हिमांशु लम्बा के साथ हम मौजूद आज कोतखला कोतखला जींद में उपस्थित हैं और आज आपके सामने हम प्रेरणा के लेके ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। मेरे पीछे देख लीजिए आप तस्वीरों में, बुजुर्ग आदमी लगभग लगभग 90 वर्ष उम्र है और ये है लक्की मिस्त्री नाम से प्रसिद्ध है। चिनाई का काम करते हैं साहब, मिस्त्री है, लगभग 90 वर्ष के आसपास उम्र है। हिमांशु लम्बा थोड़ा नज़दीक चल के दिखा दीजिए, नाम लक्की और काम भी लक्की जैसे ही है। हम आपको इसलिए स्टोरी दिखाने आए हैं कि आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप 90 वर्ष की उम्र में। राम राम जी बाबा, राम राम। राम 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 राम। ठीक सो? ठीक जमा बिल्कुल। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 86-87। 86-87 साल उम्र है। तो ये काम क्या रास्ता बना रहे हो? हाँ यार, सड़क बना रहे हैं। अच्छा, तो मिस्त्री खुद हो आप? खुद। और मिट्टी भी खुद ही करोगे? ना, मजदूर है। तो आप क्यों लग रहे हो? मैंने लगना पड़ा है, बना कोई नहीं उन पर दरे शीशी। अच्छा हाँ, तो चिनाई का काम आप? चिनाई का भी करूँ हूँ, ये दर ईंट। अच्छा, ये नाली बनानी। हाँ। और गाल बनानी, सारा गांव की गाल बनावा। तो आपने ये पुड़ी बनानी? अच्छा हाँ। तो कितनी वर्ष हो गया ये चिनाई का काम करते हैं? मन्ने हो गए 8 साल का लग गया था मैं देखती चिने सर। हाँ, 8 साल का लग गए थे, यानी कि लगभग 80 साल हो चुके काम के लगे। तो इतनी छोटी उम्र में काम के क्यों लग गया? खुशी में, टाबर की खुशी में, बच्चा ही खुशी में, ये भी बच्चा ही खुशी में कर रहा हूँ। परिवार जो जिसका बढ़िया होगा नहीं, और दूर लग चलेगा आदमी, क्यों सुख घर में सुख नहीं होगा जे फिर फायदा के। फायदा के। हाँ, तो नाम लक्की बाबा का। हाँ, आप बाबा मेरे साथ बने रहिए। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। उम्र कितनी? मेरी होगी 40 साल। और ये बाबा के नजदीक खड़े कर लीजिए, इनको देख लीजिए, ये 40 साल और ये 86-87 साल। एक खा रहा है एक ट्रैली शक्कर की, एक ट्रैली और 42 मन की। 42 मन की एक ट्रैली शक्कर की तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ, एक ट्रैली खा रहा है। एकदम थोड़ी खाई जाए, वह लगातार खाई जाए, लगातार 40-42 मन की बैठे फड़ा कर न्यू बता दिया था 84 मन शक्कर होगी, 42 मन की। तो एक मन में लगभग कितना घी हो जाता होगा? पता नहीं जी, इतने 40 किलो एक मन में। सही बताया भाई ने, तो 40-42 मन बताया आपने। हाँ हाँ, खंदे ने बहुत दिन हो गए, ईब भी खाऊं हूँ मैं घी तो। कोई शहद नहीं, कोई अस्पताल में नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई ताप चढ़ा, ना कोई खैर खांसी बेशंग होगी और नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ईब ईब कितना की खा लो? ईब तो एक कटोरी ही खाई है शक्कर की छुड़ी। अच्छा, तो एक ट्रेली ट्रैक्टर की देखी आपने, वो शक्कर और 42 मन घी, एक मन में 40 किलो होता है, देख लीजिए। अब 42 का हिसाब लगा लीजिए। बताऊंगा, लोग बाग भी बताएंगे, सबने बेरा है। हाँ, कितने बच्चे हैं? बच्चे 6 छोरी हैं, 3 लड़के हैं। 6 छोरी 3 लड़के, सब शादीशुदा? सब शादीशुदा हैं, देख लीजिए। मैं ना असर ताइये हो या पा कदे, अपना मुकद्दर बहुत बढ़िया रहा, काम चलिया जमा सही, ना किसी पे मांगना ना देना ना। आप बताइए बच्चों, क्या नाम?
मेरा नाम राजरूप नंबरदार है। नंबरदार जी, आपकी उम्र इनकी उम्र में कितना फर्क होगा? मेरी इसकी उम्र में तो मैं तो 55 साल का आया हूँ। 55 साल की उम्र, ये देख लीजिए इनकी 86, 30-35 साल। तो बाबा का चेहरे पे थे जब भी वो कब, और आप इनके सामने थोड़ा फीके फीके। आप फीके नहीं थी तो माल ज्यादा चढ़िया हुआ। तो अच्छा, आप न्यू बताइए, नंबरदार है आप? हाँ नंबरदार है। राजरूप? हाँ जी राजरूप नंबरदार जी। मुझे ये बताइए बाबा, जो आप काम कर रहे हैं चिनाई का कस्सी का, ये कह सकते हो आप? नहीं जी, मारे बस की बात कर दिया, हम तो पंखिया तले पड़े रहा सारे दिन रहते पूरा दिन रात पंखे के नीचे रहते हैं। तो देखे कोई ऐसा, कोई ऐसे कोई निरका हीरा ईसा पीस कर दे, देखे आपने उरेसी की? ओ मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको। और कहीं देखे आपने? ना ये तो 55 साल में चश्मे ले रहे, ऑपरेशन कराए पड़े कोठड़िया में, इतनी उम्र के तो लोग ही नहीं है। इतनी उम्र का और आदमी काम नहीं कर सकता जो यू कर रहा है। बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, के कहता टोक? हाँ टोक हो जाएगी इसका, काम कराई भी लगे। अच्छा बाबा कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे तो 76। बाबा सब बड़े आदमी है, देख लिए ये सबसे बड़े गांव घना बड़ा है ये। 86 साल की उम्र है इसकी तो। 87 में लग रहा है। बाबा तो आप भी इतना काम नहीं कर पाते होगी? ना मेरा बड़ा बना था, 1 किलोमीटर नहीं पैदल चल सकता। अच्छा भी नहीं, मोटरसाइकिल पर छोड़ के आओ काम में। सबसे बड़े आदमी? हाँ सबसे बड़ा आदमी यही है। एक दो और तो है फिर वह इतने वो खाट में है। खाट में तंदुरुस्त नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है। तो आप देख लीजिए साहब, 55-60-70 साल तो लास्ट उम्र है, और 50 साल की उम्र में आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। और साहब आप खाना नहीं पचता आपको, साहब हजमा खराब हो गया आपको, साहब आप चारपाई पे पड़े हैं, डॉक्टरों के गोलियों के भरोसे जी रहे हो। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, जीता जागता एक ब्रांड अम्बेसडर आपके सामने एक प्रेरणा के लिए है। 86 के लगभग 90 के आसपास उम्र है, और पूरे दिन कड़कती धूप, सेल्सियस तापमान देख लीजिए कितना डिग्री है। ये कस्सी और ये मिस्त्री लक्ष्मी चंद देख लीजिए, ये लक्ष्मी मिस्त्री है मेरे साथ कोतकला गांव हिसार में, कोतकला हिसार में आता है। तो आप इनके लड़के हो? ना मजदूर लग रहे हैं। अच्छा, मजदूर हैं इसके साथ में। हाँ तो आपके साथ काम करते हैं ये भी? हाँ सारा दिन। बाबा दिखे सही है जमा? ठीक, कुछ नहीं मेरा होंदा था अपन सरुआ, कुछ नहीं होया जिंदगी में, ना गोली और के। अच्छा ताई जीव? ना ना ताई 10 साल हो गए गुजरी ने, परिवार बहुत ठीक से मेरा, वो तार से मेरी घर में भी। तो बाबा इस उम्र में काम क्यों करते हो आप? खुशी में। खुशी में तो बाबा ठीक रेंज है बिल्कुल। उम्र में लोग ऊपर जाके दूसरा जन्म ले लिया, और आपसे छोटी उम्र के राम नाम जप रहे हैं, तो कुछ कहोगे क्या उनके? उन तो आप देख लो करवाएंगे अपना, चले जाएंगे खुशी तो चले जाएंगे। खुशी तो कितने, तो चार पाई में दवाइयों के सारे पड़े हैं फिर उन शक्कर का हारा खड़िया है, एक ट्राली शक्कर की खा रहा है, एक ट्राली शक्कर की, और 45 मन की खा रहा है। 45 मन की खा रहा है, देसी प्योर की खा रहा है। 45 मन वो खाई है न्यू पछा मारे यार, देख शक्कर की और घी का न्यू तरला दी यार, दे वो खाया इसका हरी चैट जंदा, सारी चैट जंदा। सताई का काम करे ना, कदे धोखा पट्टी करी थी, सारे दिन अपना आप काम समझ के इसका दुई करी आई थी, न्यू अट्टा पट्टी नहीं करी थी, मेहनत करके खाई थी, मेहनत करके। हाँ तो ये मेरे साथ लक्खी राम बाबा है, और ये देख लीजिए तस्वीर, यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप 50 साल की उम्र में, और साहब 60 साल में सरकार रिटायरमेंट कर देती है भारत सरकार, लेकिन ये 90 साल की उम्र में रिटायरमेंट नहीं है। ये विदेशी जो विदेशों में होता है कि विदेशों में बुजुर्ग आदमी को कभी रिटायरमेंट करते ही नहीं है। साहब नौकरी से घर आ सकते हैं लेकिन काम फिर भी करना पड़ेगा, चाहे वो 95 साल का हो चाहे 100 साल का हो, विदेशों में हर आदमी काम करता है, मरते दम तक करता है, कंप्यूटर पे बैठ के करता है, देश के लिए करता है। लेकिन यहाँ 60 साल के बाद चार पाई अलग कमरे में, और साहब सारे दिन खखार थू 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 होती रहती है। और ये बाबा देख लीजिए,
इस उम्र में भी काम कर रहे हैं और मरते दम तक काम करेंगे। ये होती है असली जिंदगी और ये होती है जीना जिंदगी का नाम। मैं तो कह रहा खेमा उड़ा था के ले यो, काम करते करते ने खुशी में। क्या बात है बाबा, तो बाबा ने खा लिया बिवाली से मन घी और एक ट्रैक्टर ट्राली शक्कर की और अब भी खा रहे हैं वो लगातार। क्यों बाबा? हाँ खावा, कोई शेद नहीं, कोई तकलीफ नहीं की, खावा भी थोड़ा खा लिया ही वे, थोड़ा खा लिया, थोड़ा खा लिया। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कोतकला गांव में मौजूद है, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये। और ये मेरे साथ बाबा, ये देख लीजिए, ये है नाली वगैरह जो बाबा बनाए, पूरे गाँव की नाली बना दी बाबा ने और हजारों घर भी बनाए हैं, चिनाई का काम किया है पूरा। उनके दोहरा रहा हूँ, उनके दोहरा है। पंचायती राज शुरू होया नहीं हरियाणा में, उस दिन तक लेकर आज तक ये मिस्त्री है पंचायत का। तो ये आपके गांव की शान भी आन भी बान भी है? बिल्कुल मान सको आप, और मानते हो पूरे भारत में 90 साल का आदमी कोई मिलेगा? कैसन में हुई थी पंचायत 1952 में, फिर उस टाइम का मिस्त्री हुए पंचायत का हमारा। हां बाबा रेशलदार था वो, फौजी उसका टाइम में चली थी। अच्छा हां। तो बाबा नींद बहुत बढ़िया आती है? बहुत बढ़िया। खाना सही जमा? सही। सेवा अच्छी हो जाती है? जमा बहुत बढ़िया। तो मरते दम तक ऐसे ये मन में तो है? क्या बात है, मन में हिम्मत होनी चाहिए बाबा। तो बाबा कैसा लगता है पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए आप? वो तो ले आपने मेरा देखे हैं गांव में, तो देखे हैं गुआंडा पूरा, सब सब देख देख रहे हैं। हां ले वो तो तामे दिखाओगे। तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये सब लोगों के लिए जो चारपाई में पड़े, जो 60 साल के बाद कहते हैं मैं रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट होने से पहले ये सोच लेना बाबा साहब 90 की उम्र में रिटायरमेंट नहीं है। और आप कहते हो हम रिटायरमेंट हो गए, तो बाबा कहते हैं रिटायरमेंट कभी आदमी होता ही नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए शरीर में, जान होनी चाहिए और दिमाग में भी हिम्मत होनी चाहिए। बाबा कहते हैं काम करते करते मरूंगा और वो सौभाग्य मेरा बहुत अच्छा होगा जब मैं काम करते करते मरूंगा। तो चारपाई पर बैठ के वो लोग जाते हैं जिनका हिम्मत हौसला जवाब दे देता है, और बाबा का उम्र 90 के आसपास। और मैं फिर कहता हूँ एक ट्रैक्टर ट्रेली शक्कर की और 42 मन घी बाबा अब तक चट कर चुके हैं, और अब पता नहीं आगे कितना और खाएंगे, ये तो बाबा पे डिपेंड है। और जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सब छोटी उम्र के हैं यहाँ जितने बाबा से, और बाबा कस्सी लेके काम पे लगी रहे। बाबा कर लीजिए आप अपना काम। तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ कोतकला में मौजूद हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।